हेलो फ्रेंड, शिवम मूवी जोन में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे आज दोपहर 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज क्यूरन को। क्यूरन के करीब 40-45 मिनट के 7 एपिसोड है और दोस्तों इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है इटालियन और इसको डब किया गया है इंग्लिश में। मैंने ये वेब सीरीज इंग्लिश में देखी तो मैं आपको इसका इंग्लिश रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे वेब सीरीज की स्टोरी की बात करेंगे। दोस्तों, इसका जो स्टोरी है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि स्पॉयलर्स ना लगे। और दोस्तों, ये जो रिव्यू है कम्प्लीटली स्पॉयलर फ्री रिव्यू होने वाला है ताकि आपका मजा किरकिरा ना हो इस वेब सीरीज को देखते टाइम। दोस्तों, ये कहानी ऐना की। ऐना एक मदर है जिनके दो ट्विन है और दोस्तों ऐना बहुत सालों के बाद डिसाइड करती है कि वो अपने विलेज जाएगी जिसका नाम होता है ग्राउंड, जो कि इटली में सिचुएटेड है। दोस्तों, अपने विलेज पहुंचती है अपने दोनों ट्विन को लेकर के। एंड दोस्तों, ग्राउंड में कुछ ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होने लगती है जिस कारण से बहुत ज्यादा एक हॉरिफिक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि ऐना सडनली डिसअपियर हो जाती है। कैसे डिसअपियर होती है वो तो आप वेब सीरीज में देखिएगा। और दोस्तों, बची हुई जो कहानी है उसमें यही दिखाया जाता है कि कैसे ट्विन अपनी मदर को खोजती है और वो क्यों डिसअपियर हुई और वो कैसे अपनी मदर को वापस लाती है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल कहानी है। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ अच्छे पॉइंट्स एंड कुछ बुरे पॉइंट्स के बारे में जो कि मैंने एनालाइज किया है। जो अच्छे पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। इसका जो थीम है वो कम्प्लीटली डार्क थीम है, कह सकते हैं हॉरिफिक थीम है। जब आप इस वेब सीरीज को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, रियल में आप एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक आप वेब सीरीज देख रहे हो क्योंकि कम्प्लीटली डार्क एनवायरमेंट में यह शूट किया गया है। दोस्तों, सेकंड जो बेस्ट पॉइंट है वो है इसका हॉरर सीन्स। बहुत ही ज्यादा चिलिंग हॉरर सीन्स है। कुछ कुछ सीन ऐसे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक लगते हैं देखने में। दोस्तों, जो तीसरी अच्छी बात है वो इस वेब सीरीज की वो ये है कि इस वेब सीरीज के जो लोकेशंस है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लोकेशंस है, माइंड ब्लोइंग दोस्तों लोकेशंस है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक एनवायरमेंट क्रिएट करना था। इस एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए दोस्तों लोकेशंस का बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, ये पूरे वेब सीरीज में लोकेशंस फैंटास्टिक है, परफेक्टली हॉरिफिक सेट्स आप कह सकते हैं इस वेब सीरीज के। दोस्तों, जो चौथी अच्छी बात है इस पूरे वेब सीरीज की वो है इसका थ्रिलर। बहुत ही कमाल का थ्रिलर है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों कि अगले सीन में क्या होने वाला है। तो कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया थ्रिलर एंड हॉरर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया इस पूरे वेब सीरीज में। तो दोस्तों, ये थी चार बातें जो इस वेब सीरीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ खराब बातों की। तो दोस्तों, ऐसा तो कुछ कोई खास खराबी नहीं है इस पूरे वेब सीरीज में, बट कह सकते हैं इसका जो लेंथ है दोस्तों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लंबा है। अगर लेंथ को थोड़ा सा शॉर्ट करते तो और ज्यादा बेटर होता। तो चलिए, अब हम लोग दोस्तों आगे रेटिंग्स की बात करते हैं। दोस्तों, मुझे ये वेब सीरीज बहुत ही बढ़िया लगी। कह सकते हैं हॉरर एंड थ्रिल का दोस्तों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया जच रहा है इस वेब सीरीज पे। तो मैं इस वेब सीरीज को देता हूँ 3 stars out of 5। पर्सनली मुझे हॉरर वेब सीरीज बढ़िया लगती है और ये वेब सीरीज भी काफी बढ़िया है। इसमें सब कुछ है जो एक हॉरर वेब सीरीज या फिल्म में होनी चाहिए। इसमें आपको चिलिंग्स मूवमेंट बहुत सारे मिलेंगे और आपको दोस्तों थ्रिल यह बहुत अच्छे से करती है। तो आप इस वेब सीरीज को जरूर जा करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।